बहुत ही अच्छा जगह है बैठने के लिए, स्टूडेंटों का घूमने फिरने के लिए, बेड़ी सिगरेट पीने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो खैर इधर तो अभी नहीं पकड़ता इंटरनेट, ठीक है यार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रवीण पंचका और आज मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ खास दिखाने वाला हूं, तो और ख़ास ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आज हम यूटीडी की जो ग्राउंड है उसके बात करेंगे खेल से संबंधित, और साथ ही जो वाईफाई मिलता है, इंटरनेट सुविधा होता है, उसकी कंप्लीटेड बताऊँगा। तो लास्ट तक वॉच करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। समस्या है ना भैया, अरे जैसे कि देख पा रहे होगे ये भैया ग्राउंड के लिए अंदर जा रहे हैं, बट ये यहाँ पे भी लॉक है जैसे कि देख पा रहे हो गेट। तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके जाना पड़ता है और हर एक चीज यहाँ से जैसे कि देख रहे हो कोई नहीं आ सकता, और डबल डबल भी लगा हुआ है। तो यहाँ से ये यूनिवर्सिटी का एंट्री होता है, तो एंट्री होने के साथ मैं भी अभी चढ़ के बाहर ही क्रॉस करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा नाम प्रवीण है और यहाँ से यूटीडी का एंट्री स्टार्ट होता है, एंट्री चालू होता है। तो ये गेट बहुत ही नज़ारा है और इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं, इस वीडियो में यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है, जो खेल का मैदान है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और वाईफाई आपको इंटरनेट फ्री यूटीडी में कैसे मिलेगा कैंपस पे या खेल परिसर, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक वॉच करिए। तो चलिए हम यहाँ से अभी मैं चढ़ता हूँ। तो मैं अभी यूटीडी का ग्राउंड जा रहा हूँ, जो कि यूटीडी से नीचे वाला रास्ते में पड़ता है।
तो ये रास्ता मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ, रोड रोड ना जाके मैं डायरेक्ट शॉर्टकट अपनाया हूँ। तो यहाँ से यूटीडी का जो ग्राउंड है वह ग्राउंड आ चुका है और मैं यहाँ अभी शॉर्टकट में यूटीडी का ग्राउंड पहुँच आया हूँ। तो यूटीडी का ग्राउंड ऐसा दिख रहा है, इस साल तो ओपन होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए, ये रहा पिच जहाँ पे मैच होता है और ये ग्राउंड जिसमें से बहुत ही लंबा चौड़ा है और ये रहा सीढ़ियाँ जो कि बंद है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे कैंपस है जो कि चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ से ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ये यूटीडी के ही बिल्डिंग है और यहाँ पे ये ग्राउंड है जो कि हर एक प्रकार की मैच होता है और इधर का डिपार्टमेंट कुछ ऐसा बन गया है जो कि फिजिकल डिपार्टमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गेम की प्रैक्टिस और रियल अभी इधर का ये लेटरिंग बाथरूम है और जो कि मैं बता दूँ टॉयलेट और इधर की जो इसके अंदर बना है वो बहुत ही पीछे से देखने पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है बट इधर कभी बन नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन हो गया है। तो देखिए नज़ारा कुछ ऐसा ही है और यहाँ का और ये है फिजिकल डिपार्टमेंट अपना यूटीडी का। ये मैं सीढ़ी से भी नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसे सामान रखे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है यहाँ से और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगा तो आप लोगों को मतलब इस ग्राउंड में ही खेलने आना पड़ेगा, प्ले करने आना पड़ेगा। जितने भी खिलाड़ी स्टूडेंट होंगे वह इस वीडियो को अवश्य पूरा कंप्लीट देखेंगे। पे एकेडमिक कैलेंडर है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है टूर्नामेंट के बारे में, कौन कौन सा कब कहाँ कैसे होगा और यहाँ पे भी दो बाइक अभी खड़े हुए हैं और यहाँ अंदर कुछ सब कुछ वो है, कहने का मतलब कि ब्लॉक है। इधर पानी की सुविधा हो रही है, जो पीना चाहें वह पी सकते हैं। ये पानी अभी चल भी रहा है जो कि देख रहे होंगे। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है यहाँ से। ये पीछे का बैठने का है, ये पीपल का पेड़ है और ये दो बाइक हैं। ये यूटीडी के बिल्डिंग है जो कि यूनिवर्सिटी से ग्राउंड के बीच करो तो 700 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास तो पड़ ही जाता है अगर घूम के आए, इसीलिए मैं शॉर्टकट आया। चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इस लिस्ट को देख लेते हैं। जैसे कि मैदान संबंधित आवश्यकता निर्देश, मैदान खुलने एवं बंद होने का समय प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक, यानी कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे वो 4 बजे से 6 PM तक। शनिवार रविवार एवं अन्य अवकाश के दिन मैदान बंद रहेंगे। मैदान में
मतलब कि कचरा कूड़ा ना फैलाएं और बेफालतू का ना घूमें, ठीक है ना। और मैदान में बाहरी व्यक्ति या कोच द्वारा किसी भी प्रकार की फिजिकल ट्रेनिंग या कोच देना सख्त मना है, यानी कि बाहरी व्यक्तियों को आना। विश्वविद्यालय या अन्य किसी संस्था द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता शिविर में अभ्यास के दौरान मैदान पर घूमना मना है, ठीक है। खेल परिसर कैंपस में माने कि जो मांस मदिरा होता है या फिर बीड़ी सिगरेट तंबाकू सेवन करना मना है, ठीक है, वर्जित है। खेल परिसर के अंदर फालतू जानवरों के साथ आना मना है, यानी डॉग वॉग लेके अंदर नहीं आना है। अपने वाहन पार्किंग एरिया में ही खड़े करें, ठीक है। मैदान में खाने पीने की मतलब कि वस्तुओं का सेवन करना मना है। मैदान में फालतू बैठना सख्त मना है। खेल मैदान के अंदर रखे गए उपकरण यानी कि जितने भी होते हैं बिना अनुमति का छूना मना है, यानी कि बॉल गेंद, ठीक है। खेल मैदान दर नोट, सर्दियों के मौसम के दौरान खुलने एवं बंद होने का समय प्रातः यानी सुबह 7 बजे से 9 बजे दिन और शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक ही रहेगा आदेश अनुसार। तो यहाँ पे ये बोर्ड डला है और यहाँ पे भी लिखा है कि विश्वविद्यालय, ठीक है ना, विश्वविद्यालय सागर, ठीक है, ये गेट पे लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा रहा इधर का, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। से खेल का मैदान दिख रहा है साफ साफ और अभी बन भी रहे हैं। चलिए यहाँ से अगर देखे नजारा तो कुछ ये इधर का मेन गेट है जो कि रोड होके आता है, मैं इधर से आया हूँ और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारा हैं। अदर लोग इधर खेलते हैं इस ग्राउंड पे और यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लग गया है अभी, जो कि नहीं लगा था। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे होंगे यूटीडी का ग्राउंड बहुत ही सिंपल है, कहने का मतलब यहाँ 20 किलोमीटर 26 किलोमीटर तक का रेस होता है। एक सर्किल बना देते हैं, इस सर्किल में कहने का मतलब कि एक सर्किल होता है और उस सर्किल में 400 मीटर का रनिंग करवाते हैं और उसमें से अगर 25 राउंड 30 राउंड करवाते हैं जिसमें से बहुत सारे किलोमीटर में उसमें कन्वर्ट किया जाता है और बहुत सारे जितने भी गेम होते हैं इसी के अंदर होते हैं, उसके अंदर होते हैं और ओपन वाला जो होता है वो ग्राउंड में होता है। जब खुल जाता है यूनिवर्सिटी तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट अभी खुला नहीं है इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, कहने का मतलब कि ये बन भी रहा था कम्प्लीटेड, एक ग्राउंड पूरे सर्किल में बन रहा था तो लॉकडाउन लग गया और यूटीडी भी बंद हो गया, इसी वजह से नहीं खुल पाया है। और ये जो इधर का मैदान है, इस मैदान में सिर्फ वही लोग खेलते हैं, ऐसे बाहरी लोग खेल सकते हैं और मतलब प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि ये वाला जो है इसमें डायरेक्ट मना किया गया है कि नहीं खेलना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप इसमें खेल सकते हो। और जैसे कि भी खोखो हुआ था और खोखो हुआ था कबड्डी हुआ था तो प्रैक्टिस इसी गेम इसी ग्राउंड पे करवाते थे जो कि अदर वाले थे, है ना। और यहाँ से मैं बता दूँ, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे ये मेन गेट है, ठीक है, इधर से ये जो रोड से आता है ये मेन गेट है
रोड होके आता है और यहाँ अंदर और बाहर कुछ ऐसा ही नज़ारा है। ये देखिए यहाँ से ये पूरा ग्राउंड दिख रहा है, ये पूरा ये जो बाउंड्री है ये यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से लग रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो मैच और बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे यार बदलना जाना मौसम के तरह, मेरे सबसे इस पेड़ को जब यूटीडी ओपन होगा तो काट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बैठने के लिए जो बनाया गया है दिखाई क्लियर नहीं देने वाला। ये अंदर का कुछ इस प्रकार नज़ारा है और यहाँ से भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। जैसे ही ओपन होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि देख पा रहे होगे यहाँ हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम, ठीक है, तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम का। ये देखिए ये है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम क्या है। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा तभी आप जान पाएंगे कैसे कंप्लीटेड देखने पे। चलिए तो आगे हम दिखाएंगे। जैसे कि यूटीडी जो ग्राउंड है उसमें मैं बता दूं कि वाईफाई फ्री है, यानी कि इंटरनेट की जो सुविधा होती है प्रॉब्लम होता है वो फ्री है। और यूटीडी ग्राउंड पे ही नहीं, मैदान पे ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट है ना सभी में ये सिस्टम है, सभी एकदम फ्री है, यहाँ नेट की प्रॉब्लम नहीं होती। कितने भी मोबाइल यूज करें
डेटा लैपटॉप यूज करें। सभी में बराबर लोडिंग लेता है। बहुत ही अच्छा जगह है बैठने के लिए, स्टूडेंटों का घूमने फिरने के लिए, बेड़ी सिगरेट पीने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो खैर, इधर तो अभी नहीं पकड़ता इंटरनेट, ठीक है, यहाँ पे आपका वाईफाई इंटरनेट नहीं पकड़ेगा, खुद का डाटा यूज करना पड़ेगा। मगर अगर आप ग्राउंड पे गए, यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कहने मतलब कि बिल्डिंग पे गए, तो वहाँ से आपको डाटा फ्री मिलेगा। बट उसके लिए आपको कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, जो हमारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, भूगोल डिपार्टमेंट है, उसके पीछे है। वहाँ से आपको वाईफाई का वो लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने नंबर पे। तो आप नंबर पे जाके और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिसके बदौलत आपको इंटरनेट वाईफाई फ्री मिलेगा जब आप यूटीडी में रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आगे भी देखिए। नेक्स्ट वीडियो कुछ हेल्पफुल मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी बोल सकते हो। उसमें कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं लगता। और अगर ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।